हेलो दोस्तों, ई डेरी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में ई डेरी आपको बानी नस्ल की भैंस के बारे में बताएगा। दोस्तों, बानी नस्ल की भैंस गुजरात के कच्छ जिले की एक प्रमुख नस्ल है। इसे कच्छी या कुंदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बानी भैंस की उत्पत्ति सिंध से हुई, जो कि अब पाकिस्तान में है। इसी कारण इसे सिंधन नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मालधारी समाज के लोग कई वर्षों से इस नस्ल की भैंस का पालन पोषण कर रहे हैं। बानी भैंस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICR के द्वारा रजिस्टर्ड की गई 11वीं भैंस की नस्ल है। यह नस्ल मुख्य रूप से गमंतु श्रेणी के अंतर्गत आती है, जो कि खुले घास के मैदान में चरकर अपना पेट भरती है। बानी गुजरात के कच्छ का एक ग्रासलैंड है, जहाँ ये बानी नस्ल की भैंस पाली जाती है। इसी बानी ग्रासलैंड यानी घास के मैदान में ये बानी नस्ल की भैंस 10 से 15 किलोमीटर दूर तक चरने को चली जाती है और दूध देने के समय अपने मालिक के पास अपने आप आ जाती है। घुमंतु प्रजाति की नस्ल बानी भैंस की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी अच्छी होती है। ये भैंस ज़्यादा गर्मी, सर्दी व ज़्यादा बारिश के वातावरण में अपने आप को आसानी से ढाल लेती है। बानी नस्ल की भैंस मुख्य रूप से काले रंग की होती है। इसके अलावा ये भूरे व तांबे रंग में भी पाई जाती है। इस नस्ल की भैंस का माथा लंबा व सीधा होता है। इसके सिंग मादर व मुर्रा भैंस के सिंगों की भांति दिखाई देते हैं। इसका शरीर मध्यम व बड़े आकार का होता है। इसका गलकंबल यानी डूलैप छोटा व इसकी नाभि मध्यम होती है। इसके थन अच्छी तरह से विकसित और आकार में गोल होते हैं। चारों थनों के बीच की दूरी बराबर व उसका अडर बड़ा होता है। अगर गर्दन की बात करें तो बानी भैंस की गर्दन मध्यम व पतली होती है, जबकि बानी भैंसा की गर्दन मोटी व भारी होती है। बानी भैंस की पूंछ छोटी व पतली होती है। बानी भैंस की नस्ल में दूध देने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी होती है। इस नस्ल की भैंस एक लैक्टेशन में लगभग एवरेज 2500 से 3000 लीटर दूध दे सकती है, जिसका फैट परसेंट एवरेज 6 से 7% तक होता है। एक अच्छी व प्योर बानी नस्ल की भैंस प्रतिदिन 18 से 19 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। बानी नस्ल की भैंस का एवरेज वजन 475 से 575 किलो होता है, जबकि बानी नस्ल के भैंसे का वजन एवरेज 525 से 562 किलो तक होता है। अच्छे दूध देने की क्षमता व बीमारियों से लड़ने की क्षमता व किसी भी मौसम में अपने आप को ढाल लेने वाली इस बानी नस्ल की भैंस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसके अलावा खुले में चरकर अपना गुजारा करने के कारण इस भैंस के पालन पोषण का खर्चा भी बहुत कम आता है। इस तरह कम खर्चे में ज़्यादा आमदनी वाली इस नस्ल की डिमांड गुजरात के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में अधिकतम हो गई है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको बानी नस्ल की भैंस के बारे में जानकर कैसा लगा। अधिक जानकारी के लिए आप ई डेरी के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं।